शराब भी या छाछ भी जैसो हाल को एक लाजवाब बल्लेबाज मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन या छाछ भी जैसो हाल और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन इस मुकाबले के हाईलाइट रहे या छाछ भी जैसो हाल जो दिन एक से बल्लेबाजी कर रहे हैं भारतीय टीम की पहली इनिंग में। दोस्तों आप सभी को बता दें तीसरे दिन की शुरुआत में भी यशस्वी जायसवाल 130 रन नाबाद थे और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का अंदाज दिखाया। शुरुआती ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ अपने बल्ले को अच्छे से चलाया यशस्वी जायसवाल ने स्टर्निंग पिच पर, और देखते ही देखते वो मंजर आ ही गया। डेब्यूटेंट बल्लेबाज के तौर पर सबसे युवा बल्लेबाज बने जिन्होंने 150 रन की पारी खेली। जी हां दोस्तों 150 रन बना दिए यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों अपने डेब्यू मुकाबले पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल सबसे यंग बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर रुकी नहीं और भी तूफानी व तगड़ी बल्लेबाजी की इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर। देखते देखते यशस्वी जायसवाल की पारी बड़ी हो रही थी। यशस्वी जायसवाल 171 रन तक पहुंच चुके थे, मात्र 29 रन दूर थे अपने दोहरे शतक से, लेकिन तभी अल्जरफ जोसेफ की इस गेंद ने पूरा मजाक गिरा कर दिया। अल्जरफ जोसेफ की इस बार जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का इल्जे बैठे यशस्वी जायसवाल पीछे जोशुआ दा सिल्वा ने शानदार कैच समाप्त की, जिसे अल्दे 3 दिनों की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल की समाप्त हुई। 171 रन लगाए यशस्वी जायसवाल ने 383 गेंदों का सामना करते हुए 16 छक्के व 1 छक्का लगाकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए, लेकिन भारतीय टीम तब तक 350 के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप यशस्वी जायसवाल की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन, तो आइए आप सभी को बता दें इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों दूसरे दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल 130 रन और विराट कोहली 40 रन नाबाद गए थे भारतीय टीम को 300 के पार पहुंचाकर। वापस से आए मैदान पर तीसरे दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल व विराट कोहली सलामी बल्लेबाज बनकर। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मैच साझेदारी हुई और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने 150 रन का आंकड़ा पूरा किया। दोस्तों इनकी बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही थी, 171 रन तक जायसवाल पहुंच चुके थे दिन की शुरुआत में, लेकिन तभी अल्जरी जोसेफ की इस बार जाती हुई गेंद पर जायसवाल दे बैठे अपने बल्ले का एच। पीछे विकेट कीपर जोशुआ लिटिल द सिल्वा ने शानदार कैच को समाप्त किया, जिसके चलते एक डेब्यूटेंट बल्लेबाज की बड़ी इनिंग समाप्त हुई, 171 रन बनाकर जायसवाल आउट हुए। दोस्तों उनके बाद भी विराट कोहली की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी बरकरार रही। दोस्तों देखते ही देखते इस तूफानी मुकाबले में हमारे भारतीय टीम के रन मशीन विराट कोहली ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों विराट कोहली की बल्लेबाजी लाजवाब थी। दोस्तों अजिंक्य रहाणे तो 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, जडेजा आए उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए, पर भारतीय टीम 400 रन पर 4 विकेट खोकर भी बल्लेबाजी कर रही है। जडेजा और कोहली मैदान पर है, लीड की अगर हम बात करें तो 250 रन से आगे है भारतीय टीम वेस्ट इंडीज से। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम की इस कमाल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर